अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर फाइन। टुडे वी विल सॉल्व कॉन्सेप्ट चेक ऑफ चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स फ्रॉम पेज नंबर 37। समराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स अंडर द करेक्ट हेडिंग एंड शो इन द एग्जांपल। हमने मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। अब उनकी करैक्टरिस्टिक्स को वहाँ से चेक करना है और उसके बाद उनको करेक्ट कॉलम में इधर पुट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सेकंड है डाइकोट एंड थर्ड है मोनोकोट। पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हमें फ्लावर्स के बारे में बताना है कि डाइकोट और मोनोकोट की जो के फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं। ये उन्होंने हमें सैंपल के तौर पर ख़ुद फिल कर दिया है, बाकी हमने खुद फिल करने हैं। फ्लावर्स में हमने पढ़ा था कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें जो डाइकोट प्लांट्स के फ्लावर्स हैं उनकी पैटर्न्स डिफरेंट होती हैं। डाइकोट में पैटर्न्स ऐसी होंगी जो थ्री होंगी या फिर थ्री का मल्टीपल्स होंगी। मोनोकोट प्लांट में हमने पढ़ा था कि जो पैटर्न्स हैं वो क्या है, फोर हैं या फाइव या फिर इनके जो है वो मल्टीपल्स होंगे। सेकेंड अब हमारे पास है सीड। तो डाइकोट, डाई मीन्स हमने पढ़ा था टू एंड मोनो मीन्स वन। तो डाइकोट प्लांट में सीड्स जो हैं वो टू सीड लीव्स होते हैं और मोनो मीन्स वन, तो वन सीड लीफ होगा। लीफ हमने लीफ में पढ़ा था कि डाइकोट प्लांट्स में नेट लाइक वेव्स होती हैं, यानी कि सिस क्रॉसिंग में होती हैं, और मोनोकोट प्लांट्स में पैरेलल वेन्स होती हैं। पैरेलल मीन्स आमने सामने एक दूसरे की सीधी लाइन्स में, स्ट्रेट लाइन्स में होती हैं। रूट्स हमने पढ़ा था के रूट्स में हमने देखा था कि डाइकोट प्लांट्स हैं तो उनकी टैप रूट्स होंगी, मोनोकोट होंगे तो उनकी फिब्रस रूट होंगी। और टैप रूट कौन सी होती हैं, जिनमें एक मेन रूट होती है और उसके साथ ही बाकी सब रूट्स जो हैं वो डिस्पर्स हुई हुई होती हैं। लेकिन जो हमारे पास फिब्रस रूट्स हैं वो क्या है कि उसमें कोई एक मेन नहीं होती, इसी तरह से वो स्टेम के साथ आ रही होती हैं और स्टेम के बाद आकर डिस्पर्स हो जाती हैं। लास्ट है हमारे पास स्टेम। स्टेम में हमने बताना है कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के स्टेम में क्या फ़र्क है। स्टेम डाइकोट प्लांट्स में जो है उनमें वैस्कुलर बंडल्स जो हैं अरेंज हुए हुए होते हैं रिंग्स की फॉर्म में, एक गोल सर्कल की शेप में डिस्पर्स होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है इनमें। लेकिन जो मोनोकोट प्लांट्स हैं इनमें स्टेम क्या है कि वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम, कि इसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी। जैसे डाइकोट प्लांट में सर्कल में होते हैं, रिंग में होते हैं सब वैस्कुलर बंडल्स, लेकिन इसमें वैस्कुलर बंडल्स पूरे स्टेम के अंदर फैले हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।